क्या हुआ, सोच में पड़ गए क्या? हाँ जी, राजा बनना चाहिए, सावकार बनना चाहिए, है राजा बनना चाहिए, सावकार बनना चाहिए। बाबा तो कहते हैं 16,000 की माला में जाने से तो अच्छा है साहूकार बन जाओ, बड़े बड़े जो साहूकार बनते हैं वो जरूर संगम युग में बहुत कुछ धन अर्पण किया होगा, स्थूल धन भी खूब अर्पण किया होगा और सूक्ष्म ज्ञान धन भी खूब अर्पण किया होगा, सरेंडर नहीं हुए होंगे, बाप को अर्पण नहीं हुए, लेकिन बाप को अर्पण नहीं हुए ये तो अच्छा नहीं किया, लेकिन अच्छा क्या किया, पूरा तन पूरा मन धन और ईश्वरीय धन खूब दिल खोल करके अर्पण किया, काहे में अर्पण किया, ईश्वरीय सेवा में, तो क्या बनेंगे, साहूकार तो बनेंगे। बाकी जो राजघराना है राजा बनने वाले हैं राज परिवार के, उनके अंडर में 24 घंटे नहीं रहेंगे, क्या स्वतंत्र होकर के बिजनेस करेंगे? तो दास दासी बनना अच्छा राजघराने में या बड़े बड़े साहूकार बन करके ढेर के ढेर दास दासियां रखना अच्छा, क्या अच्छा है? साहूकार बनना अच्छा, क्यों? क्योंकि सरेंडर हुए और सरेंडर होने के बाद तन अर्पण किया नहीं, मन अगर सामने देते क्या लिख तो दिया कागज में, तन मन धन ईश्वर अर्पणम, कागज में तो लिख दिया, लेकिन पर बाद में फिर क्या करते हैं, ठेंगा दिखाई देते हैं। सोचते हैं कौन देखेगा हमारा ठेंगा, अभी तो हमने दिखाई दिया। तो भगवान तो बेचारा मुसलमान धर्म स्थापक है या देवी देवता सनातन धर्म का धर्म स्थापक है, है? मुसलमान तो ऐसे होते हैं, दो नहीं दिया तो सर धर से अलग कर देते हैं। दुनिया में भी मनुष्य ऐसे होते हैं कि नहीं, अगर उनकी काम की आप पूरी नहीं, काम माने इच्छा, कोई भी इच्छा की पूर्ति नहीं हुई तो क्या करते हैं, कामेशु क्रोधेशु हो जाते हैं। अब बाप तो ऐसा नहीं है, कैसा, जैसे दुनिया में मनुष्य होते हैं कि काम की आस पूरी नहीं हुई, कोई भी कामना हो छोटी हो या बड़ी हो तो क्रोध में आ जाएगा, दुनिया में तो हत्या भी कर देते हैं, करते कि नहीं, हत्याएं भी कर देते हैं। नहीं तो फरक्काबाद के अखबारों में देख लो, 2-4, 6-8 सप्ताह के बाद जरूर ऐसी कोई खबर पड़ती रहती है, क्या किडनैप करके उठा के ले गए, जबरदस्ती की, नहीं मानी तो क्या किया, मार काट के और सड़क पे फेंक दिया, कुछ पता नहीं लगता। तो ऐसे ऐसे क्रोधी हैं, बाप तो ऐसा धारणा स्थापन करने वाला नहीं है, खुद ही ऐसी धारणा स्थापन करेगा तो फिर फॉलोअर जो है उससे ज्यादा बिगड़े हुए बनेंगे या अच्छे बनेंगे, और ज्यादा बिगड़े हुए बनेंगे। तो बाप तो आकर के देवता धर्म की स्थापना कराते हैं, और जो मनुष्य धर्म पिताएं हैं
वो देवता नहीं बनाते हैं, दिव्य गुण धारण करना नहीं सिखाते हैं, देवताई धर्म स्थापन नहीं करते हैं, वो आसुरी धर्म स्थापन करने वाले हैं। तो बाप में और दुनिया वालों में बहुत फर्क है। धर्म की स्थापना में पहली पहली बात है स्वतंत्र रहो और स्वतंत्र रहने दो। स्वतंत्र रहेंगे इसका मतलब क्या हुआ है? निर्बंधन रहे माने ईश्वर अर्पण ना होवे है, ये स्वतंत्रता। अरे खुद अर्पण हो जाए तो स्वतंत्र हो गए या परतंत्र हो गए? आत्मस्थिति। अरे ईश्वर के अर्पण हो गए, समर्पण पत्र लिख दिया, संसार के सामने लिख दिया, कोई कोई तो पहले खून से भी लिखते थे, लिखते थे ना, तो वो आधीन होना अच्छा है या स्वाधीन होना अच्छा है? स्वाधीन होना अच्छा है, क्योंकि स्व माने आत्मा, मैं आत्मा, मैं ही सब कुछ हूँ, आई एम ईश्वर, आई एम गॉड, मैं स्वेच्छाचारी हूँ, मैं स्वेच्छाचारी बन करके रहूंगा, अगर भगवान भी उतर आए तो भी मैं उनके अधीन रहने वाला नहीं हूँ, मेरी अकल से ही मेरी सदगति होगी। क्या मेरी सदगति कैसे होगी? मेरी बुद्धि से ही मेरी सदगति होगी, मैं और किसी की बुद्धि के सामने सर नहीं झुकाऊंगा। क्यों? बाप तो पर है, पराया है, क्यों झुकाए? बाप पराया है या स्व है? स्व है, क्यों? वो आत्मा अलग, मैं आत्मा अलग, एक है क्या? अरे बाप की आत्मा अलग है या एक ही है? बाप की आत्मा अलग और मैं आत्मा अलग। हाँ ये कहो शिवोहम, तो बाप की आत्मा और मेरी आत्मा एक हो गई, तो क्या करना चाहिए? आधीनता सिखाने वाले बाप के अधीन हो जाना चाहिए। हाँ बाप पर नहीं है, पर कौन है? माया पर है, माया रावण पर है, बाप स्व है, जो मैं आत्मा हूं वो मेरा ही बाप है, वो पर नहीं हो सकता, पराया नहीं हो सकता, क्योंकि उसका नाम ही क्या है? क्या नाम है? सदाशिव। शिव माने कल्याणकारी, वो जितना हमारा कल्याण कर सकता है, मैं स्वयं भी अपना कल्याण उतना नहीं कर सकता, मेरा कल्याण मैं आत्मा स्वयं नहीं कर सकती हूँ, मेरा कल्याण कौन कर सकता है? है बाप ही कर सकता है। तो स्व है या पर है? स्व है, वो स्व होने के कारण क्या है? स्व होने का कारण क्या है? और जितनी भी मनुष्य आत्माएं हैं वो सब पराधीन बनाने वाली है क्या? और शिव बाबा स्वाधीन बनाने वाला है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है वो आत्मा सुप्रीम सोल गॉड फादर जितना त्यागी है,
उतना त्यागी और दुनिया में कोई आत्मा नहीं हो सकती। वो दाता है, हमको देता है, हमसे लेने की आस नहीं करता है। और दुनिया में कोई ऐसी आत्मा है? 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 रामकृष्ण की आत्मा है ऐसी जो सदाकाल ऐसी बनकर के रहते हैं? है? नहीं, वो भी सदाकाल ऐसी बनकर के नहीं रहती। जिनको जिनको अपना रथ है वो सारे के सारे ही क्या है? स्वार्थी है। इसलिए अगर बाप आया हुआ है ये बुद्धि में बैठा तो क्या करना चाहिए? आदिन कहना है, आदिन कहना ही नहीं है, जैसे बाप चलाए वैसे चलना है, इसी में हमारा कल्याण है। क्योंकि साहूकार भी बन जाएंगे बड़े से बड़े तो राजा के कंट्रोल में रहना पड़ेगा कि नहीं रहना पड़ेगा? है? राजा जब चाहे तो राज्य के कल्याण के लिए साहूकार की सारी संपत्ति ले सकता है या नहीं ले सकता है? ले सकता है। आज भी ये परंपरा चल रही है, शहर हैं, कस्बे हैं, गांव हैं, गलियां और रोड बनी हुई है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, तो चाहे गांव का गली हो, चाहे कस्बे का रोड हो और चाहे बड़े शहर का रोड हो, वो अगर बढ़ाने की जरूरत पड़ती है और किसी का मकान रोड के ऊपर खड़ा हुआ है तो सरकार का आदेश होगा कि ये मकान हटाया जाए, तो हटाना पड़ेगा या नहीं हटाना पड़ेगा? है? हटाना पड़ेगा। राजा राजा होता है और प्रजा प्रजा होती है। प्रजा को अधीन ही रहना पड़ेगा, राजा स्वाधीन होता है। जो सदा स्वाधीन रहने वाला है वो बाप उसे बनाने वाला है। स्वाधीन बाप के स्वाधीन बच्चे राजा बनते हैं। तो मुरली में तो ये कह दिया, क्या 16,000 की लिस्ट में आकर जाकर के दास दासी बने, उससे तो अच्छा है साहूकार प्रजा बन जाए। लेकिन ये 16,000 में से सबके लिए कह दिया या कोई छूट जाते हैं? है? 108 छोड़े हुए हैं। क्या कहा? 108 जो राजाएं हैं वो नहीं नाम गिनाया, उनकी गिनती नहीं की, क्योंकि 108 क्या बनने वाले हैं? राजाएं बनने वाले हैं। तो लक्ष्य हमारा क्या है? यहां आकर के हम बैठे हैं, पढ़ाई पढ़ रहे हैं, हमारा लक्ष्य प्रजा बनने का है। बाप हमको प्रजा बनाने की पढ़ाई पढ़ाने आए हैं? हाँ, प्रजा बनने की पढ़ाई पढ़ाने आए हैं। नहीं, क्या पढ़ाने आए हैं? प्रजाओं को पढ़ाने नहीं आए हैं। जो कह रहे हैं कि 16,000 की लिस्ट में आने से तो अच्छा, दास दासी बने उससे तो अच्छा, क्या बने? साहूकार प्रजा बने। बाप का कहने का अर्थ ये नहीं है। क्या अर्थ है बाप का कहने का अर्थ ये है कि 16,000 थर्ड क्लास माला है। क्या फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास माला कौन सी है? 8 और 108। उसमें आने के लिए मना कर दिया है? नहीं मना किया। तो जो नीचा संकल्प करने की आदि है जन्म जन्मांतर की,
उसकी बुद्धि में तो झट बैठ जाएगा। क्या देखो बाबा ने कहा है? क्या क्या कहा है कि 16,000 की लिस्ट में जाकर के दास दासी बने उससे तो अच्छा साहूकार प्रजा में। अरे साहूकार प्रजा में आवे वो अच्छा इसलिए नहीं है कि उन्हें अधीन रहना पड़ता है। पराधीन सपने सुख नाही करी देखो विचार मनमाही। जो पराधीन होता है उसको स्वप्न में भी सुख नहीं होता है। सुख काहे में है? स्वाधीनता में सुख है या पराधीनता में सुख है? स्वाधीनता में सुख है। तो बाप तो हमको ऊंचा लक्ष्य देते हैं। क्या कहते हैं? मैं तुम बच्चों को राजयोग सिखाने आया हूं, राजा बनो। क्या रानी योग भी नहीं कहा? क्या राजयोग? राजा बनो मेरे बच्चे, राजा बच्चे हैं। रानी बनने वाले मेरे बच्चे नहीं है, तुम मेरी माला नहीं है। क्या जो जन्म जन्मांतर राजा बनने के स्वभाव संस्कार वाले हैं वो मेरे बच्चे, और जन्म जन्मांतर रानी बनने के स्वभाव संस्कार वाले हैं वो विष्णु के बच्चे है। ये अंतर है। तो क्या बनना चाहिए? राजा बच्चे बनना चाहिए। बाप खुद राजा नहीं बनता है, हम बच्चों को राजा बनाता है। कितना बड़ा त्याग है। क्या खुद न बने और बच्चों को बनाए? उसको कहेंगे बाप। कौन सा बाप? ऊपर वाला या नीचे वाला? है ऐसा बाप जो खुद न बने और बच्चों को बनाए वो ऊपर वाला या नीचे वाला? ऊपर वाला। नीचे वाला नहीं, क्योंकि नीचे वाला तो बाप समान बनता ही नहीं है ना। अरे वो ऊपर वाला आता है तो उसका पहला लक्ष्य है कि जिसमें आता है उसको आप समान बनाएगा। जिसमें आता है वो ही आप समान नहीं बने तो फिर किसको परिवर्तन करने आया? तो जिसमें आता है उसको भी क्या बनाता है? आप समान। कैसा आप समान? ऐसा आप समान कि जैसे वो निष्कामी है, वो तो 5,000 वर्ष भी कुछ प्राप्ति नहीं करने की इच्छा रखता है, ऐसे ही जिसमें आता है उसको भी आप समान ऐसा बनाता है कि संगम युग में कुछ भी प्राप्ति करने की इच्छा न रहे, ऐसा बन जाए। प्रवेश करते ही ऐसा बन नहीं जाता है। तो स्वार्थी, दुनिया का सबसे बड़ा स्वार्थी या छोटा मोटा स्वार्थी? दुनिया का सबसे बड़ा स्वार्थी। फिर क्या बनाता है उसको? आप समान निस्वार्थी। जब तक न बने तब तक उसका नाम शिव के साथ जोड़ा ही नहीं जाएगा। जब बनेगा आप समान तो उसका नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है। दुनिया मान लेती है कि जो शिव है वही शंकर, शिव शंकर ये आत्मा के स्वभाव संस्कार मिलकर के एक हो गए। जैसे ऊपर वाला कल्याणकारी वैसे ही ये नीचे वाला भी कल्याणकारी है, क्योंकि नीचे की स्टेज में उसकी बुद्धि उस समय रहेगी या ऊंची स्टेज में रहेगी? है
ऊंची स्टेज में रहेगी, भले तन से, इंद्रियों से, आंखों से, स्थूल से दिखाई देवे कि नीचे रखा हुआ गड्ढे में, सब देखते हैं अरे ये तो कहां पड़ा हुआ है, गड्ढे में पड़ा हुआ है, लेकिन मन से गड्ढे में नहीं होता, कहां होता है, उपराम होता है। ऐसी जब स्टेज बनती है तो सारी दुनिया को फिर ये बात समझ में भी आती है क्या कि उपराम होने का अर्थ क्या है और कितना गहरा है। तो वो है सिर्फ संगम युगी शूटिंग की बात, क्या बाप समान निस्वार्थी होने की बात। वो ऊपर वाला संगम युग में भी निस्वार्थी और फिर 5000 वर्ष के ड्रामा में भी निस्वार्थी, और जिसमें प्रवेश करता है वो 5000 वर्ष के ड्रामा में सदा काल के लिए निस्वार्थी नहीं है, लेकिन संगम युग में निस्वार्थी बनकर के पार्ट बजाता है। जब वो निस्वार्थी बन जाए तो बाप रिटायर होकर के संगम युग में ही कहां बैठते हैं, ऊपर बैठते हैं, ऊपर बैठ करके खेल देखते हैं, और बच्चे नंबर बार अपना अपना पार्ट बजाते हैं। और बाबा जो अपन से जो बड़े बड़े राजे होकर महाराणा प्रताप, ये लोगों को क्या करना पड़ता है, लड़ाई लड़ना पड़ती है तो दुख भी होगा। एक दुख होता है तन का और एक दुख होता है मन का। भगत सिंह जब फांसी पे चढ़ाया गया तो वो तन से दुखी हुआ या मन से दुखी हुआ, है तन से दुखी हुआ। दुनिया ने देखा कि तन फांसी पे चढ़ाया गया, लेकिन फांसी पे चढ़ाए हुए होते हुए भी अंत समय में उनकी बुद्धि में खुशी भरी हुई थी या दुख भरा हुआ था। तो ऐसे ही जो भी राजाएं हैं देश की रक्षा के लिए, भारत माता की रक्षा के लिए, भारत की रक्षा के लिए प्राण अर्पण करते हैं, देह त्याग करते हैं, उनको खुशी होती है मन की या तन की, मन की खुशी होती है। तो आत्मा सुखी दुखी होती है या शरीर सुखी दुखी होता है, तो असली सुख और दुख आत्मा का है या देह का है, आत्मा का है। तो जो आत्माभिमानी होते हैं वो आत्मा का सुख दुख देखेंगे, जो देह अभिमानी होंगे वो देह का सुख दुख देखेंगे। क्या चाहिए, सुख दुख आत्मा का पहले देखना है। शरीर तो देखो या ना देखो विनाशी है, वो तो आज है कल कल नहीं रहेगा, और आत्मा तो अविनाशी है। अविनाशी आत्मा का सुख दुख देखेंगे तो जन्म जन्मांतर सुखी रहेंगे, और देह का सुख दुख देखेंगे तो अल्पकाल की प्राप्ति करेंगे, सदाकाल की प्राप्ति नहीं होगी। बापा ने बापा के राजा बनाने के लिए बापा राजा बनाने के लिए जाते
कोई कोई राजा ऐसे भी होते हैं जो हीरोपाट दल का सामना करते हैं। हैं, कोई कोई राजा ऐसे होते हैं जो हीरोपाट दल का सामना करते हैं, हीरोपाटधारी का सामना करते हैं। तो एक राजा बनने से क्या फायदा? कैसा राजा? जो जो दुनिया उनका सामना करे? हाँ, दुनिया वाले अकेले या संगठित होकर के हीरो पार्टधारी का सामना करें, ऐसा राजा बनने से क्या फायदा जो सारी दुनिया दुश्मन बन जाए? हाँ बोलो। विरोधी बन जाते हैं ना, हीरो पार्टधारी है, बड़ा राजा है ना। हाँ, तो उसके विरोधी बन जाते हैं ना, उसकी विरोधी बन जाते हैं। हाँ, विरोधी बन जाते हैं, बनने दो। ऐसा राजा बनने से क्या फायदा? अच्छा, जिसकी सारी दुनिया है, वो तो एक विरोधी बनने की बात आप कर रहे, लेकिन एक नहीं, ऐसे अनेक मिलकर के एक हो जाए, संगठित हो जाए, और फिर उस एक हीरो पार्टधारी का मुकाबला करें, तो भी वो परवाह नहीं करे। क्या? तो भी बेपरवाह बादशाह बनकर के लड़ाई लड़े और बाप उसका सहयोगी बन जाए, अंत में विजय किसकी होगी? दृढ़ता की विजय होगी या दुनियावी संगठन की विजय होगी? यज्ञ के आदि में भी क्या बोला बुरली में, एक आत्मा एक तरफ और सारी दुनिया दूसरी तरफ, फिर क्या हुआ? है अलग को मिला अल्लाह, दे को मिली बाप सही, बहुत मस्ती में रहा। किस मस्ती में? अरे भगवान हमारा साथी है। क्या? जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोके इंसान, क्या रोके तूफान? तो अच्छा हुआ या बुरा हुआ? है? अच्छा है। हाँ, माना दुनिया अगर विरोध करती है, दुनिया माने लोक, लोक माने संसार, लोक माने लोग दुनिया के, तो दुनिया विरोध करती है, लोक विरोध करता है, लोग विरोध करते हैं, तो लोक लाज आनी चाहिए, वो अच्छी बात है, लोक लाज की परवाह करना या ऊपर वाले की लोक लाज आनी चाहिए? ऊपर वाले की लाज आनी चाहिए, वो हमारा सर्वस्व है, लोक लाज की परवाह करना कमजोरों का काम है। मीरा ने क्या किया? छोड़ गई कुल की कान, कहा करे कोई, प्रैक्टिकल रिजल्ट में भी देखा, राणा ने सर्प का हलाहल विष दे दिया, कुछ बिगड़ा? कुछ नहीं बिगड़ा, मीरा जीत गई और राजस्थान के राजा हार गए। इस संगम युग में भी ये परीक्षा होती है एक एक आत्मा की, कि भस्म होने वाली दुनिया की लोक लाज कितनी करते हैं और भगवान की लाज कितनी करते हैं। लोक लाज में मरना अच्छा या भगवान की लाज करना अच्छा? अरे ये दुनिया तो भस्म होने वाली है, भगवान ने तो हमारी आंखों के सामने नई दुनिया खड़ी कर दी, उस नई दुनिया की जो सामने खड़ी है उसकी लोक लाज की कोई परवाह नहीं, और भस्म होने वाली दुनिया की लोक लाज इतना सताती है, हाय ये क्या कहेंगे, हाय ये क्या कहेगा, हम नहीं ऐसा कर सकते।
हस्तदेव और कृष्ण बच्चा जो कृष्ण बच्चा है वो लास्ट नंबर के अष्टदेव के समान होता है। कुछ आदमी पुरुषार्थ में वो समान कैसे होता है? जो सात आठ नंबर के आठ हैं वो रचयिता की लिस्ट में है या रचना की लिस्ट में जन्म लेने वाले हैं? है? है? रचयिता की स्टेज। और जो कृष्ण और कृष्ण जैसे सात बच्चे जो सतयुग में जन्म लेकर के महाराजा बनेंगे वो रचना की स्टेज वाले हैं या रचयिता की स्टेज वाले हैं? लेकिन हाँ उसके ही बारे में बोल रहे हैं कि जब कृष्ण बच्चा सतयुग में पैदा होगा तो जो बाप है उसको जन्म देने वाला और बाप के जो संगी साथी और साथ हैं जो रचयिता की स्टेज वाले हैं उनका रिगार्ड करना पड़े परंपरा में या नहीं करना पड़े? दुनिया में भी ये परंपरा अभी भी भारत में चल रही है, बाप और बाप के सात भाई हो और बाप का बड़ा बच्चा पैदा हो जेठ हो तो कहा जाएगा घर परिवार का आगे चल करके मालिक बनेगा ये तो कहा जाएगा कि युवराज बनेगा। लेकिन वर्तमान में उस युवराज को चाचाओं के चाचियों के ताइयों के पांव छूना पड़े कि नहीं छूना पड़े? ये परंपरा कहां से पड़ी? है संघ में पड़ी। आपका विचार भिन्न क्यों जा रहा है? हाँ अष्टदेव है कृष्ण बच्चा है उनके कृष्ण की आत्मा अष्ट देवताओं के मुकाबले कम समय के लिए रंगमंच पर रहेगी या अष्टदेवों की आत्माएं रंगमंच पर ज्यादा साकार रूप में पार्ट बजाएंगी? अष्टदेवों की ज्यादा लंबा समय तक पार्ट बजाएंगी तो जो जितने पहले सच रूपी रंगमंच पर उतरेगा उतना बड़ा हुआ, बाद में उतरेगा तो अरे आंख की तो बात छोड़ो, 4.5 लाख भी कृष्ण से ऊंचे हैं। क्यों ऊंचे हैं? हाँ क्योंकि वो सब रचयिता की स्टेज है, वो सब बीज हैं। क्या वो पत्ते हैं? कहाँ बीज की ताकत और कहाँ पत्तों की ताकत? भले पहले पहले शुरुआत के पत्ते हैं लेकिन पत्ते तो पत्ते हैं। पहले कूर के पत्ते हो या लास्ट कूर के पत्ते हो 84वें जन्म के, कहां बीज और कहां पत्ते बहुत फर्क हो जाता है। अरे यज्ञ के आज में भी ये बीज कौन से हस्ती वाले थे? प्रजापिता के समान हस्ती वाले थे वो बच्चा बुद्धि और वो सगीर बुद्धि, बहुत अंतर पड़ जाता है। उन सगीर बुद्धियों ने बाप को फॉलो किया और जो बच्चा बुद्धि थे उन्होंने अम्मा को फॉलो किया।
और अब दो ही शरीर बुद्धि बच्चे, दो बच्चा बुद्धि बच्चे ब्रह्म जैसी आत्माएं उसी अम्मा के पति बन करके बैठ गए। अब उस पर सवार होते हैं और उसको अपनी अकल के अनुसार चलाते हैं। माता के क्या बन गए? पति परमेश्वर बन गए। कितना जुलुम हो रहा है, अब तुम्हारी बुद्धि में क्या है? और राम ने खाए और राम ने खाए लक्ष्मण ने पीछे फेंक दी। हाँ, तो किसने कदर की प्यार की और किसने प्यार की कदर नहीं की? किसको देवान आया और कौन देवान से परे हो गया है? प्यार में सब कुछ डूब जाता है। क्या प्यार ऐसी चीज है? प्यार सागर है। जैसे ज्ञान सागर है वैसे प्यार भी सागर है। अरबस्तान में तेल की खान निकली। हाँ, ज्ञान जल नहीं, पानी नहीं। हाँ, तेल निकलता है, तेल मशीनों में काम आता है। क्या तेल जो है कहे में काम आता है? मशीनरी में काम आता है। पानी काहे में काम आता है? तेल जड़ मशीनरी में काम आता है और पानी चैतन्य मशीनरी है, जो भगवान की कुदरती बनाई हुई मशीनरी है उसमें काम आता है। कौन सी ऊंची चीज है? पानी की ऊंची कीमत है। लेकिन लोगों को इस बात का पता नहीं है कि ज्ञान जल कितनी कीमत रखता है। वही तेल भारत में आकर के रिफाइन किया जाता है। क्या तेल कहाँ रिफाइन होता है? भारत में आकर के रिफाइन होता है। वो तेल यहाँ रिफाइन होता है तो उसका एक रूप है जो डीजल कहा जाता है। क्या क्या नाम है उसका? डीजल। डी माने डायरेक्ट और जल माने ज्ञान जल। भारत में सस्ता है और विदेशों में महंगा है। तो ये स्थान स्थान का फर्क हो जाता है। जो तेल है वो शुद्ध चीज है या अशुद्ध चीज है? वो अशुद्ध चीज है। तेल के मुकाबले घी शुद्ध चीज है। तेल तेल है, याद का घृत नहीं है। याद का घृत बहुत ऊंची चीज है। उसमें भी गौ घृत बहुत ऊंची चीज मानी जाती है। क्या नहीं तो जहां तेल की खान है वहां बकरियों का घृत तो बनता होगा लेकिन तो गौ घृत नहीं मिलता है। गांधी जी क्या पसंद करते थे? है बकरी का दूध पीते थे, बकरी का घी खाते थे। होना क्या चाहिए? अरे भारत में जब गैया मिल रही है तो गाय का घृत खाना चाहिए। गाय भारत का ऐसा प्राणी है जो भारत में पूजा जाता है। क्या क्यों पूजा जाता है? क्योंकि भाव स्वभाव से दिव्य गुण धारण करने वाली है।
सीधी साधी है। जिंदगी भर के लिए जिस खूंटे से भारत की गऊओं को बांधा जाता है जीवन भर वहीं बंद करके रहती है, अपने माँ बाप का नाम बदनाम नहीं करती। विदेशों में ऐसा नहीं होता है। तो गाय से प्यार करना चाहिए, बकरी से प्यार करना चाहिए या भैंस से प्यार करना चाहिए? हाँ, गाय से प्यार करेंगे तो वाइब्रेशन कुछ और बनेगा, भाव स्वभाव संस्कार दिव्य बनेंगे, और भैंस से प्यार करेंगे तो बुद्धि क्या बनेगी? भैंस बुद्धि बनेगी। और हिमसागर प्रेम का नाम है, हिमसागर, भीमसागर, हिमसागर, हिमसागर। हाँ, हिमालय से आके सीधे नागपुर से है, सीधे नागपुर से कन्याकुमारी से जाती है। क्या हिमसागर? हाँ, भीम सागर माने हिमालय की तरफ से आती है और कन्याकुमारी तक जाती है। एक ऐसी ट्रेन है, माता जी बोल रही, बोल नहीं होगी उसका नाम रखा गया हिमसागर, जैसे नाम रखा गया कन्याकुमारी और कश्मीर से आने वाली एक्सप्रेस। तो कश्मीर को भी मिला रही है और कन्याकुमारी को भी मिला, तो के एक्सप्रेस नाम रख दिया। ऐसे ही हिमालय है, हिमालय से नहीं आती, हाँ बीच में नागपुर भी पड़ता है क्या? हिमालय से आती है, आती तो ऊंचे प्रदेश से है लेकिन बीच में नागों का पुर पड़ता है। वैसे भी भारत माता है ना, क्या है? भारत माता है। तो भारत माता है तो भारत माता का कनेक्शन नाग देवताओं से नहीं है क्या? वो भी तो है। नागपुर की जो स्थायित्व है, स्थिरता है, जो नागपुर शहर दिखाया गया वो भारत के मध्य भाग में दिखाया गया है या एक तरफ दिखाया है? मध्य भाग में दिखाया गया। नाम रख दिया नागपुर, कौन सा पुर? नागपुर। माना भले हिमसागर से आती है वो एक्सप्रेस, एक्सप्रेस माने संकल्पों की ट्रेन, वेद में क्या अर्थ हुआ? ऐसे संकल्पों की ट्रेन जो आती है हिमसागर से, हिम माने बर्फ और सागर माने सागर, तो हिमसागर कौन सा हुआ है? नहीं, वो कौन सा सागर है जो हिमालय पर्वत पर पहाड़ का पानी, पहाड़ का जो बर्फ है डिस्टिल्ड वाटर बन करके वहां इकट्ठा होता है? मानसरोवर, वहां से वो संकल्पों की ट्रेन चली तो शुद्ध है या अशुद्ध संकल्प है? शुद्ध संकल्पों की ट्रेन आती है। माना सतयुग त्रेता तक कैसे संकल्प रहते हैं? शुद्ध संकल्प चलते। फिर कहां से गुजरती है? नागपुर से। तो नागपुर से जब गुजरेगी तो नागलोक वालों के सबसे ज्यादा विषैला प्राणी कौन सा होता है? नाग होता है। तो जो विषैला प्राणी से होकर के वो संकल्पों की ट्रेन गुजरती है
तो संकल्प कैसे हो जाते हैं? अशुद्ध संकल्प हो जाते हैं। ये हो गया द्वापर युग की शुरुआत। इसीलिए बाबा ने बोला है उत्तर भारत है भारत, उत्तर भारत है स्वदेश, नागपुर से ऊपर का हिस्सा मध्य भारत में है ना नागपुर, और नागपुर के दक्षिण का जो देश है भारत देश, वो है भारत का विदेश। तो विभिचारी संकल्प विदेशों में ज्यादा चलते हैं या स्वदेश में ज्यादा चलते हैं? है? विदेश में विभिचारी संकल्प ज्यादा चलते हैं। तो नागपुर से जब वो हिमसागर ट्रेन गुजरती है तो गंदे गंदे संकल्प चलेंगे। क्या कहां तक पहुंचेगी वो ट्रेन? गंदे संकल्पों वाली चलते 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 कहां तक पहुंचे? कन्याकुमारी तक पहुंचे। तब जाकर के सागर के नजदीक पहुंचेगी। तो सागर में संकल्पों का विलय हो जाएगा। तो कन्याकुमारी तक पहुंचना अच्छी बात हुई खराब बात हुई? है? ब्राह्मणों की दुनिया में भी ये हिमसागर एक्सप्रेस चल रही होगी या नहीं चल रही होगी? है? चल रही है। पहले ज्ञान सतो प्रधान सतो सामान्य था और अब तमो प्रधान होता जाता है। जैसे जैसे नागों को धारण करने वाला कौन है? शंकर जी। उसका पाठ लोगों के बीच में क्लियर होता जाता है। क्लियर हो रहा है या मति भ्रम पैदा हो रहा है? हैं? क्लियर हो रहा है। क्लियर हो रहा है तो निश्चय बुद्धि बनना चाहिए, और मति भ्रम पैदा हो रहा है तो अनिश्चय बुद्धि होना चाहिए। तो क्या हो रहे हैं अभी? अनिश्चय बुद्धि हो रहे हैं। कभी बाप के ऊपर निश्चय बैठता है और कभी विपरीत संकल्प चलते हैं। तो जैसे जैसे वो संकल्पों की ट्रेन आगे बढ़ती जाती है वैसे वैसे नागपुर से होती हुई वो ट्रेन जब आगे बढ़ती है तो विदेशीयता की तरफ बढ़ती है। आखिरी में कौन से प्रदेश में पहुंचती है? उस प्रदेश का नाम क्या है? हाँ, ऐसा प्रदेश है जो हिंदी का नाम लेना भी पसंद नहीं करता। क्या? हिंदुस्तान और हिंदी के नाम से ही नफरत। सभी प्रदेशों में हिंदी पढ़ाई जाती है और वहां प्राइमरी स्कूल में भी हिंदी नहीं पढ़ाएंगे, हिंदी का कोई प्रचार प्रसार नहीं, इतनी नफरत भरी हुई है। नाम क्या है प्रदेश का? तमिलनाडु। क्या तुम हमसे नहीं मिलते तो हम तुमसे नहीं मिलते? तुम हमको प्यार करोगे तो हम तुमसे प्यार करेंगे। अगर तुम भगवान से प्यार करोगे, भगवान से सच्चा प्यार करोगे, अरे भगवान इस धरती पर आया हुआ है कि नहीं? आया हुआ है। तो अगर तुम भगवान से सच्चा प्यार करोगे, एक भगवान दूसरा ना कोई, और मेरे से नहीं करोगे तो हम तुमसे नहीं मिलते, हम तुमसे बात भी नहीं करेंगे। बात करने के लिए भाषा चाहिए, हमें तुम्हारी भाषा भी नहीं चाहिए। एकदम विरोधी। ऐसे स्टेट से वो संकल्पों की ट्रेन गुजरती है, उसका नाम क्या रखा है? हिमसागर का एक्सप्रेस। तो फिर अंजाम क्या होगा? अगर ऐसा ही चलता रहा
तो अंजाम अच्छा होगा या बुरा होगा? बुरा होगा। तो क्या करना पड़े? बताया विजयमाला का आह्वान करो, जो ट्रेन विजयमाला के नजदीक पहुंच जाए। क्या कन्याकुमारी की नजदीक पहुंचेगी तो सारी की सारी ट्रेन शुद्ध संकल्पों वाली बन जाएगी और सागर से मेल हो जाएगा। सागर में कितना भी कचरे वाला संकल्प हो, कितनी भी कचरे वाली नदी क्यों न हो और ढेर की ढेर नदियां क्यों न हो जो कचरा बहाने वाली हैं, वो सागर में गिरती है तो जल कैसा हो जाता है? शुद्ध जल हो जाता है। हाँ, तो आपने तो बहुत अच्छी बात सुनाई है। कोई आपत्ति है हिमसागर एक्सप्रेस से? है आपत्ति? नहीं है। अच्छा, पहले थी। अच्छा अच्छा हाँ। दुष्यंत की पत्नी शकुंतला, हाँ, उसने मछली हड़प कर दी है। सोने की अंगूठी, उसकी अंगूठी को मछली खा गई। क्या उसकी अंगूठी को, इसकी अंगूठी को, शकुंतला की अंगूठी को मछली ने हप कर लिया। क्या उसका नाम रखा दुष्यंत? किसका अंत? दुष माने दोष। दोषों का अंत करने वाले का नाम क्या रख दिया? कवि ने नाम रख दिया जो भारत का, संस्कृत का बड़े से बड़ा कवि माना जाता है। कौन? कालिदास। उसने नाम रखा हीरो का दुष्यंत, दोषों का अंत करने वाला राजा। और उसकी जो प्रसिद्ध पत्नी हुई उसका नाम क्या रखा? शकुंतला। क्या नाम रखा? शकुंतला। शकुनी, शकुनी माने पक्षी, जो ज्ञान योग के पंखों से ऊंचा उड़ने वाला होता है। उस ज्ञान योग के पंखों से उड़ने वाली शकुनी पक्षी के तले में रहने वाली, छाया में रहने वाली, उसका नाम शकुंतला। वो पक्षी का नाम शास्त्रों में क्या दिया गया है? जिसके तले में वो पली उद्धार हुआ, रक्षण लिया तो उद्धार हुआ। किसने जन्म दिया? अरे उसको जन्म किसने दिया? अरे भूल गए, शकुंतला को जन्म देने वाली थी मेनका। कौन? मेन माने मुखिया, मुख्य, और का माने क्या। उसके नाम लेने से ही प्रश्न पैदा होता है, क्या मेनका ये मुख्य है क्या? जैसे बाबा बोलते अमेरिका, आ मेरे का, आओ तुम मेरे हो क्या या माया के हो? तो ऐसे ही नाम क्या रखा? मेनका। माना वो मुख्य नहीं है, नाम तो लिया जाता है मेनका का बहुत, लेकिन ज्ञान योग के पंखों से उड़ने वाली परियों में वो मुख्य नहीं है। क्यों? क्यों मुख्य नहीं है? हाँ? इसलिए मुख्य नहीं है कि उसने जो बड़ा ऋषि था
महर्षि विश्वामित्र उसको भी नीचे गिरा दिया। किसके आदेश पर? हैं? राजा इंद्र के आदेश पर उसको नीचे गिराने की निमित्त बन गई। किसी की बात नहीं मानी। कोई ने कितना भी समझाया हो, भले समझाने वाला सांप भी दे दे, तो उस सांप की भी उसने परवाह नहीं की। तो अच्छी बात नहीं मानी और बुरे को फॉलो कर लिया, तो मुख्य पार्ट वाली कही जाएगी या गौण पार्ट बजाने वाली हुई? गौण पार्ट हो गया। तो ऐसी मेनका की पुत्री है, जो बड़ी स्वार्थी थी मेनका। क्या? कैसी स्वार्थी? कि जिंदगी के साथ सुख तो ले लिया विश्वामित्र के साथ, और सुख लेने के बाद जो रचना हुई पैदा, उस रचना की उसने परवाह नहीं की। तो नीच कोटि की माता है या उच्च कोटि की माता है? नीच कोटि की माता होगी। तो मेनका नाम रखा गया उसका। प्रश्नचित्त प्रश्न पैदा हो गया। उस मेनका की पुत्री शकुंतला, और शकुंतला की अंगूठी। क्या? किसने दी? राजा दुष्यंत ने उसको वो अंगूठी दी यादगार में। किसी से मिलते हैं ना तो कुछ न कुछ सौगात देते हैं कि याद बनी रहे। तो राजा दुष्यंत ने वो अंगूठी दे दी। कारण या कारण, स्नान करते समय वो अंगूठी निकल गई, हाथ से निकल गई है, हाथ से निकल गई और वो किसके मुंह में पड़ी है? मछली के मुंह में पड़ गई। मछली के मुंह में अंगूठी जो पड़ी, तो जो सांप मिला हुआ था वो सांप काम करने लगा। वो दुष्यंत तुमको भूल जाएगा, तो दुष्यंत भूल जाता है। जब भूल जाता है तो शकुंतला को दुखी होना है या सुखी होना है? दुखी हो जाती। जिसको कोई अंदर से बहुत प्यार करे और वो भूल जाए तो कितना दुख पैदा होता है। बाद में कारण अकारण वो अंगूठी किसी मछुआरे के द्वारा राजा को मिल गई। जैसे ही राजा को वो अंगूठी मिलती है, राजा प्रफुल्लित तो हो जाता है। क्या? खुश हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है, और उसे पश्चाताप भी होता है कि मैंने शकुंतला को ठुकरा दिया। ठुकराने योग्य नहीं थी, लेकिन मेरे से बड़ी भारी भूल हो गई। तो वो बाद में अपना लेता है। अभी माता जी का प्रश्न क्या था? है? अंगूठी कौन है? वो मछली कौन है जो उसको हड़प जाती है? किसको हड़प जाती है? अंगूठी को। अब अंगूठी और वो मछली चैतन्य ही होगी या जड़ होगी? चैतन्य होगी। जो हड़प ली जाती है मछली के द्वारा,
वो बेसिक में होगी या एडवांस में होगी? है कहाँ होगी? बेसिक में होगी। बॉडअप ली गई या प्रत्यक्ष होगी तो दुष्यंत को भी स्मृति आ जाएगी। दुख देने वाली की स्मृति आती है या सुख देने वाली की स्मृति आती है? हाँ, सुख देने वाली की स्मृति आ जाती है। बाबा नहीं बताएंगे नाम। और छोड़ दो और दुष्यंत तो भूला नहीं नहीं भूला है। उसका आह्वान करो, आह्वान करो। किसका आह्वान करो? विजय वाला का। वो शकुनी तलाक है, उसके नीचे पली है, उससे पैदा हुई है। मेनका से पैदा हुई। मेनका मैन है। आप तो कुछ गलतफहमी हो गई। मेनका कौन है जिसके लिए प्रश्न चिन्ह पैदा हो गया? कुमार का दादी मेनका। वो आधार मूर्त मेनका या बीज रूप मेनका है? आधार मूर्त है, उससे भी बड़ा कौन है? है बीज रूप है। बीज रूप में कोई है मेनका जो पहले निकलती है एडवांस में और एडवांस में निकलने के बाद उससे प्रभावित होकर के कौन निकलती है? है और उसको पालना नहीं देती, छोड़ देती है। पूरी पालना देनी चाहिए। वो विदेशी हुई मेनका या स्वदेशी हुई? विदेशी हो गई। और शकुंतला स्वदेशी है या विदेशी है? स्वदेशी है। हाँ बाबा चाणक्य का सीरियल है, उसमें एक वाक्य आया है उत्कृष्ट भारत है, उसका मतलब क्या है? है चाणक्य संगम युग में कोई पाठधारी होगा कि नहीं? है कौन है? कौन सा बाप? ऊपर वाला नीचे वाला? है अरे उठाने वाला। उत्कृष्ट माने उठो। उत्कृष्ट माने क्या? उठो। तो उठाने वाला कौन सा बाप है? ऊपर वाला है। तो वो ऊपर वाला बाप बोलता है उत्कृष्ट भारत है। हे भारत उठो। क्या है? हाँ बोलता किसी के द्वारा भी है, लेकिन बोलने वाली आत्मा कौन है? उठाने वाली आत्मा ऊपर वाली है नीचे वाली है? है तुम किसकी वकालत कर रहे? नीचे वाले की वकालत कर रहे? हाँ हाँ आपकी नजर किसके ऊपर रहती है? है आपकी नजर किसके ऊपर रहती है? है दोनों के ऊपर? है आप बेविचारी याद में रहते हैं या बेविचारी याद में? हाँ बाप तो दो हैं, लेकिन बोलने वाली आपको ऑर्डर देने वाली आत्मा उठो वो कौन है? है हाँ ऊपर वाला है। तो आत्मा को याद किया जाता है या देहधारी को याद किया जाता है? हाँ लड़ाई चल रही है राजा राम की। हाँ हाँ साकार में देखो निराकार को, लेकिन देखो किसको? है निराकार को देखो। तो जिसे निराकार आत्मा को देखा बोलने वाली वही तो है।
ऑर्डर किसने दिया? ऊपर वाले ने ऑर्डर दिया, उठो। किसको ऑर्डर दिया? अरे ऑर्डर किसको दिया है? उठो, ये ऑर्डर किसको दिया? भारत। किसको ऑर्डर दिया? भारत को ऑर्डर दिया। उठो, पड़े न रहो। क्या मंदिर में जाते हैं तो जो जाने वाले मंदिर में भगत हैं वो ऊपर वाले शिव बाबा को देखते हैं या नीचे वाले लिंग को देखते हैं? किसको देखते हैं? उनकी बुद्धि में क्या है? नीचे वाला है। तो घंट बजाते हैं, उठो हम आ रहे हैं। क्योंकि सारी दुनिया से वो हम समझती है। तो शिव बाबा ने ये कहा, भारत उठो। उठो का मतलब नीचे गिरा हुआ है या उठा हुआ है? नीचे गिरा हुआ है, अभी उठ खड़े हो जाओ, बहुत ढेर सारा काम करना है। तो यही बात चाणक्य में आई है। जो गुरु है वो चाणक्य बोलता है, भारत उठो। उठो को मतलब दिव्य गुणों की धारणा में उठो, राजयोग की पढ़ाई में ऊंचे उठो, ज्ञान की बातों की प्रैक्टिकल धारणा में ऊंचे उठो और ईश्वरीय सेवा में भी ऊंचे उठो।